बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद इस्माइल आपको अपने चैनल के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आजकल के दौर के अंदर सुस्ती, काहली, नफसियाती मसाइल, आसाब का कमज़ोर होना, चिड़चिड़ापन, ये चीज़ें पैदा हो रही हैं, तो उनके लिए एक आसान और बेहतरीन सा नुस्खा जो माजून की शक्ल में आपने बनाकर इस्तेमाल करना है, वो इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले आप नुस्खे के फ़वाद सुन लीजिए कि इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से आपको फ़ायदे क्या क्या हासिल होंगे। नंबर एक, ये मैदे के अफ़ाल को बेहतरीन किस्म का मुनज़्ज़म करेगा, दायमी कब्ज़ को ख़त्म करेगा, दिल दिमाग को ताकत देगा, जिस्म के पट्ठों को ताकत देगा, खून की कमी पूरी करेगा, हरारत गरीजी के अंदर इजाफा करेगा, याददाश्त में इजाफा करेगा, सुस्ती काहली को ख़त्म करेगा और जिस्म को चुस्त और तवाना करेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको बआसानी पिनसार की दुकान से मिल जाएंगी। नुस्खा बनाएं, इस्तेमाल करें और ये जो सारे के सारे मसाइल मैंने बताए हैं, मेरे अल्लाह का फजल हुआ तो इंशाल्लाह ताला चंद दिन इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के बाद ये सारे के सारे मसाइल बिफजली ही ताला मुकम्मल तौर पर हल हो जाएंगे। नुस्खा बताने से पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले बटन पर ज़रूर क्लिक करें। ये जो सामने नंबर शो है, सिर्फ मेरे यही तीन नंबर्स हैं, इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है। अगर आपने मुझसे रब्ता करना हो तो इन पर व्हाट्सअप मैसेज कर देंगे, मुझे जैसे ही वक्त मिलेगा मैं इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। नुस्खे की अजा सुन लीजिए। नंबर एक, बादाम गिरी 200 ग्राम, मगज़ कद्दू 100 ग्राम, मुनक्का 200 ग्राम, गुलकंद 100 ग्राम, सब्ज़ इलायची 10 ग्राम और वर्क़ नुकरा 25 अदद। बादाम साबित ले लें और ख़ुद उसकी गिरी निकाल लें, अच्छे तरीके से कूट लें, मक्खन की तरह नरम हो जाए। फिर मुनक्का के बीज निकाल दें, मुनक्का को भी कूट लें और आखिर में सब्ज़ इलायची और गुलकंद शामिल करके अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। तमाम अज्जा यकजान हो जाएँ तो चांदी के वर्क आखिर में शामिल करें और फिर इसके अंदर शहद मिलाकर आपने माजून तैयार कर लेनी है। आपने इसको किसी अच्छे से जार के अंदर जिसमें हवा बंद हो उसमें महफूज कर लेना है। छोटा चाय का चम्मच सुबह शाम नीम गर्म दूध के साथ खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है और इसको इस्तेमाल करते हुए मुरगन गर्म चीज़ें मिसाला जात से परहेज़ करना है। ज़्यादा तुर्श चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी है। शुगर के मरीज़ इसको इस्तेमाल न करें, बल्कि शुगर के मरीज़ों के लिए मैंने बहुत सारे नुस्खाजात अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। अगर उनको कोई नुस्खा चाहिए हो तो वहाँ पर देख सकते हैं, फिर भी ना मिले तो मुझसे व्हाट्सअप पर रब्ता कर लेंगे, इंशाल्लाह ताला उनके साथ नुस्खा शेयर कर दिया जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन लाजवाब नुस्खा है, ज़रूर इसको बनाकर इस्तेमाल कीजिएगा, अल्लाह पाक अपना फजल फरमाएंगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई दोस्त खालिस रोगन बलसान, जंगली शहद, ज़ाफ़रान, सलाजीत, असमत सुरमा या किसी भी किस्म की दीगर अद्वियात मंगवाना चाहें, मेदे का मसला है, तेजाबियत अल्सर का मसला है, दिल के अमराज हैं या जनाना और मर्दाना किसी भी किस्म का आपको मसला है, आपने मशवरा लेना हो, नुस्खा पूछना हो या दवा मंगवानी हो तो मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर देंगे, मुझे जैसे वक्त मिलेगा मैं इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह ताला जल्द एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।